सो दोस्तों आज आप गल करांगे 12वीं क्लास के फिजिक्स के सिलेबस के तीसरे यूनिट के बारे। थर्ड यूनिट आप शुरू कर लगे हैं। थर्ड यूनिट हैगा अपना मैगनेटिजम एंड मैटर। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ांगे वह हैगा मैगनेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। भी जे किसी चार्ज को मैगनेटिक फील्ड रखते हैं तो उन्होंने जोड़ा फोर्स है वह लगता है कि नहीं लगता, लगता है तो कि लगता है, तो उस फोर्स के नाल उस चार्ज पर की होंगे है फिर, या किस तरह का मोशन वो चार्ज फिर एग्जीक्यूट करता है उस मैगनेटिक फील्ड के। सो शुरू आप इतों ही करा सब तो पहला, जिमें कि इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का तो करंट इलैक्ट्रिसिटी का काम आप कर चुके हैं। दोनों यूनिट्स का पूरा पूरा जोड़ा सिलेबस हैगा वो चैनल पर दो अलग अलग प्लेलिस्ट पिया हुआ वा। हुण आपां इलैक्ट्रिक फील्ड बारे क्योंकि जानते हैं, मैं उम्मीद करदा तुसीं सारा कुछ पढ़िया होया देखिया होया। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच जदों किसी चार्ज नूं रखदे आं तां इलैक्ट्रिक फील्ड विच चार्ज नूं किन्ना फोर्स लगता है, इस बारे तुसीं सारे जानते हो किन्ना फोर्स लगता है। कि जे मैं मान लो मैं कह रहा कि आह इलैक्ट्रिक फील्ड है, मैं इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनज़ नाल शो कर रहा, इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच जे तुसीं किसी चार्ज नूं रखदे हो, क्यू चार्ज नूं रखदे हो, ये चार्ज कुछ भी हो सकता क्यू, तो इस नूं जिहड़ा फोर्स लगता है वह डिपेंड करता कि चार्ज क्यू पॉजिटिव है कि नैगेटिव है। सो फिलहाल मैं पॉजिटिव मान लैना कि जे चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो उन्होंने फोर्स इलैक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन लगता है, तो फोर्स कितना लगता है क्यू इंटू ई, आप इस न इस तरह रैप्रजेंट कर सकते हैं। जे वैक्टर वैक्टर साइन पा दी ज़्यादा बैटर है। तो जे चार्ज थोड़ा पॉजिटिव ना हो, जे चार्ज नैगेटिव होया, मान लो इतने रखे आप एक चार्ज तो माइनस क्यू इन शो कर दें नैगेटिव चार्ज, नैगेटिव चार्ज में हमेशा फिर इलैक्ट्रिक फील्ड तो ओपोजिट फोर्स लगता है इस डायरैक्शन के, आप इस फिर ए शो करते हैं माइनस क्यू इंटू ई लिख दें। सो इन जनरल जे मैं गल करा, जे मैं चार्ज क्यू दे अगे पॉजिटिव नैगेटिव साइन ना पाव, वैसे कह कोई भी चार्ज क्यू आ तो क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो फोर्स है इलैक्ट्रोस्टैटिक सॉरी दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड करके वो क्यू इंटू ई के बराबर होंगे है। ये गल तुसी सारे जानते हो, ये बारे बहुत डिटेल आप बार बार गल की है। हुण आप गल करन जा रहे मैगनैटिक फील्ड की। मैगनैटिक फील्ड हालांकि आप होर भी डिटेलिंग जावे, आप बायोट सावट ला जो तो रिलेट करा मैगनेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा। हाल की घड़ी तुम इन्ना जानते हो कि जिमें किसी चार्ज के आले दुआले इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हों, इलैक्ट्रिक फील्ड हों, किसी प्लैनेट के अराउंड या किसी मास के अराउंड ग्रैविटेशनल फील्ड की गल करते हैं, आप जिमें आप धरती के आले दुआले की गल करते हैं ग्रैविटी आप पढ़िया हो, ग्रैविटेशनल फील्ड पढ़िया हो, बिल्कुल उस तरह किसी मैगनेट के अराउंड मैगनेटिक फील्ड हों। फिलहाल तो इन्ना समझ लो, तो तुम चुंबक नाल बचपन च बहुत बार खेडे होंगे, थोड़ा इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़े लिए उपरा नहीं है मैगनेटिक फील्ड बारे सुनना, सगो इलैक्ट्रिक फील्ड बारे तुम बचपन तो लैके नहीं सुनया होया सी। मैगनेट बारे या वो बारे तुम सुन सुनया होया, तुम देखा आया, जिमें मैं चुंबक नाल बहुत बचपन च खेडता हुंदा सीगा, ते मैनू चंगा लगता सी, मैं चुंबक कट्ठे करता हुंदा सीगा, ते बार बार देखता सीगा कि नॉर्थ पोल ते नॉर्थ पोल रिपेल कर रहे हैं ते क्यों कर रहे हैं, सोचता रहिंदा सी भी अंदर कुछ है भी नहीं ते फिर भी रिपेल कर रहे हैं। सो मैगनेटिक फील्ड नूं फिलहाल आप समझ के चलते हैं कि मैगनेटिक फील्ड हैगा किसी रीजन के विच किसी चार्ज नूं किन्ना फोर्स लगेगा, जिमें इलैक्ट्रिक फील्ड विच इन्ना फोर्स लगता है, आप एफ ई कह दें भी आ इलैक्ट्रिक फील्ड के करके आ। तो इस तरह जे मान लो इतने मैं मैगनेटिक फील्ड मैं एक ड्रॉ कर रहा, यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड शो कर रहा मैं बिल्कुल उस तरह ही, यह किसी चुंबक करके पैदा होया, इहदा कोई रीज़न की हैगा, ये क्यों मैगनेटिक फील्ड इतने हैगा, इहदी डिटेल च नहीं मैं जा रहा, हैगा मैगनेटिक फील्ड बस। तुसी आ मान लो भी इतने बहुत वड्डा एक नॉर्थ पोल आ चुंबक का पिया होया, इतने बहुत वड्डा एक साउथ पोल पिया होया, तो उहदे विचकार नॉर्थ टू साउथ यह मैगनेटिक फील्ड लाइनस हैगियां ने। सो मैगनेटिक फील्ड जे है किसी जगह पर, तो उस जगह पर जे मैं कोई चार्ज रखदा हाँ तो की हुंदा आ। सो जे मैं इतने किसी चार्ज नूं रखदा हाँ क्यू चार्ज नूं, इस जगह पर मान लो आपां क्यू चार्ज रखता एट रैसट, तो असी देखते हैं कि मैगनैटिक मैगनैटिक फील्ड मैं बी नाल डिनोट कर रहा कि मैगनैटिक फील्ड के विच जो चार्ज नूं रखिया तो जिवें इलैक्ट्रिक फील्ड उन्होंने फोर्स लगता सी, मैगनैटिक फील्ड उन्होंने कोई फोर्स नहीं लगता, चार्ज जिथे तुसी रखिया उन्हें उत्थे रखिया रहना। अच्छा ये मैं मन के चल रहा इतने कोई ग्रैविटी या कोई होर कोई चीज़ नहीं हैगी है, आप उस गल नूं हले इग्नोर करके चल रहे हैं कि चार्ज का मास बहुत घट आया तो ग्रैविटी का कोई असर नहीं हो रहा। हुण चार्ज नूं मैगनेटिक फील्ड रखिया कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, पर जदों ये चार्ज मोशन च आंदा आ तो आप देखते हैं कि जे चार्ज किसी वेलोसिटी वी दे नाल इस दिशा में ही मूव करता आ, वेलोसिटी वी है मान लो यदि जिस दिशा में मैगनेटिक फील्ड है
या मैगनेटिक फील्ड के ओपोजिट डायरेक्शन इस तरह मूव करता है, या आप कहने अलोंग मैगनेटिक फील्ड मूव करता है, तो भी आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी ना बढ़ती है ना घटती है। कारण की है भी उन्होंने कोई फोर्स नहीं लगता। हम तुम कहो यदा मतलब फोर्स तो लग ही नहीं रहा, मतलब ना ना रेस्ट से फोर्स लगे ना मोशन, नहीं लगेगा फोर्स अगर वह मैगनेटिक फील्ड के अलोंग या डायरेक्शन या ओपोजिट मूव कर तो बजाए किसी होर डायरेक्शन मूव करेगा तो उन्होंने फोर्स लगेगा। सो कि लगेगा देखो, सो आप इस गल जनरलाइज कर दें कि जे मान लो कोई चार्ज मैगनेटिक फील्ड के किसी भी डायरेक्शन आप शो कर दें आ डायरेक्शन है, मान लो आ वेलोसिटी है, यदि वेलोसिटी वैक्टर इधर न जा रहा चार्ज, आधर मैगनेटिक फील्ड है, तो मैगनेटिक फील्ड के नाल मान लो वह एंगल बन रहा थीटा, तो इन जनरल जोड़ा फोर्स लगता है वह कि बराबर होंगे है मैगनेटिक फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो क्योंकि तुम बारहवीं क्लास के विद्यार्थी हो, यह कोई जनरल लैक्चर नहीं है, आम जनरल साइंस का लैक्चर नहीं है, सो तुम जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट की होंगे है। फोर्स जोड़ा है मैगनेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जोड़ा है वो ये बराबर होंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हुण आह जी चीज़ है ना, आ चीज़ बिल्कुल है जिवें आसमान उतरी होंगी, आप कहने भी हाँ भी आप सच मान लिया इनू, है ना, मतलब इस तरह नहीं है, बहुत कुछ एक्सपैरीमेंट्स करके असी इस नतीजे पर पहुँचे हाँ, या विज्ञानी इस नतीजे पर पहुँचे ने, तो सानू पता लग गया कि उस पर कि फोर्स लगता है। फिलहाल जा सकते हैं ये बारे आप गलबात कर सकते हैं ऐं क्यों लगता है, है ना, भी इन्ना ही फोर्स क्यों लगता है, या फोर्स का आही फॉर्मूला क्यों आ जिमें आ फॉर्मूला सी, है ना, इतने इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो निकलिया सी ये फॉर्मूला, थोनू मैं कराया सी, जे तुसी पिछले इलैक्ट्रोस्टैटिक्स के लैक्चर मेरे देखे हुए हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आ मैं इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जिस तरह आप डिफाइन किया उतों ही फॉर्मूला कढ़िया सी, आ कितों कढ़ लिया। सो इतें आप बहुत सारिया चीज़ों होर डिस्कस कर सकते हैं बारे कि आ कितों आया। फिलहाल पर गल नूं समझण लई इस टॉपिक नूं थोड़ा अगे ले जाण दे लई आपां आ मन के चलते हैं, तो इतों ही अपनी गल शुरू करते हैं। एक फंडामेंटल समझ लो भी आ एक फोर्स का एक फॉर्मूला आ कि जे कोई चार्ज है इस तरह मैगनेटिक फील्ड में मूव कर रहा किसी वेलोसिटी वी दे नाल, तां उहदा जिहड़ा फोर्स का फॉर्मूला है वह आउंदा है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट जिहड़ा आ वैक्टर का आपां यूज़ करांगे जिहदे नाल सानूं डायरैक्शन मिल सकती है मैगनेटिक फोर्स की, पर सानू इत्थे क्योंकि वैक्टर्स ने तो क्रॉस प्रोडक्ट भी करके वैक्टर ही आएगा, सो सानू इस गल का ख्याल रखना पैना है कि आ जिहड़ा चार्ज है अगे वाला ये पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, क्योंकि जे पॉजिटिव होया तो मैगनैटिक फोर्स इस दिशा च होएगा जिस दिशा से वी क्रॉस बी करके आएगा, थोनू पता है ना वी क्रॉस बी किवें करते हैं आप राइट हैंड रूल। तो जे क्यू नैगेटिव होया तो जो भी वी क्रॉस बी करके आएगी डायरैक्शन बिल्कुल वो उल्ट दिशा में फिर फोर्स लगेगा अपना मैगनैटिक फोर्स। आप इनू थोड़ा जिहा हुण इलैबरेट करते हैं, इस पर आने आ गलां तो आप वैसे डिस्कस कर रहे सी। या फिर आप इस चीज़ को होर तरह एक तरह सोच सकते हैं कि जिवें मान लो आ मैगनैटिक फील्ड है, आ मैगनैटिक फील्ड है जिवें किताबों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया होंगे कई बार शुरू शुरू च, आ मान लो मैगनैटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड, तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल हैगा या फिर उम्मीद शो कर रहा मैं क्यू जिहड़ा कि वेलोसिटी वी दे नाल मूव कर रहा, तो उसका मैगनैटिक फील्ड के नाल एंगल बन रहा थीटा। तो असं इतने की करते हैं भी वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स बना लें, दो एक वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन बनेगा, यह होएगा वी कॉस थीटा रैक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, तो एक कॉम्पोनेंट होएगा इस डायरेक्शन के होएगा वी साइन थीटा। ठीक है जी गल। सो चार्ज न जिहड़ा फोर्स लगता है मैगनैटिक फील्ड के उसके बेसिकली वेलोसिटी के उस कॉम्पोनेंट करके लगता है, उस कॉम्पोनेंट करके लगता है जिहड़ा कॉम्पोनेंट मैगनैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंदा है, अलोंग वाले कॉम्पोनेंट करके लगता ही नहीं है। सो आप इतने ऐवी गल कर सकते हैं कि जिहड़ा फोर्स है मैगनैटिक फोर्स वो उन्ना ही ज़्यादा लगेगा जिन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग चार्ज होएगा। सो मतलब मैगनैटिक फोर्स जिहड़ा इट विल बी डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज है। नंबर दो,
ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਲਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਊ ਇੰਟੂ ਵੀ ਕਰੋਸ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ, ਏ ਕਰੋਸ ਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏ ਕਰੋਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀ, ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਰੋਸ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਵੀ ਆ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਰੋਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਰੋਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਰੋਸ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੰਧ ਆ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, ਵਿਲੋਸਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂ ਵੜ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਜੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰਜੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਏ ਕਿਊ ਵੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਊਟਨ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਚਾਰਜ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਪੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਮਪੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਰੰਟ ਇੰਟੂ ਟਾਈਮ, ਐਮਪੀਅਰ ਇੰਟੂ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਸੋਰੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਟੈਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਟੈਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਗੌਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, GAUSS, ਤੇ
जे तुसी टैसला ते गॉस च गल करो तो केड़ी यूनिट वड्डी होएगी? तुहानू पता है एसआई यूनिट वड्डी होएगी, टैसला वड्डा होएगा, गॉस छोटा होएगा। इन्हां च आपां रिलेशन देखो, इन्हां दे तुसी डायमेंशन डायमेंशनस लिखो ते डायमेंशनस दे विचों फिर एक टैसला दे विच किन्ने गॉस हैगे ने ये तुसी पता कर लो। ये थोनू मैं कराया होया वा डायमेंशनल एनालिसिस दे विच 11वीं क्लास दे विच। सो आप फिलहाल लिख दें, आप यूज करेंगे 1 टैसला इज इक्वल टू 10^4 गॉज। लो जी 1 टैसला इज इक्वल टू 10^4 गॉज। ये अपना यूनिट्स बारे थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी अपनी, पर हूँ आप आने असली गलते जी गल मैं हूँ थोड़ा कह रहा कि आप किसी चार्ज न इतने दिखा किमें सकते हैं, हूँ किमें दिखाइए चार्ज किधर जाऊगा? मैं दिखाई नहीं सकता, आ चार्ज पार्टिकल है वा, आ प्लेन से थोड़ा दिखा रहे हैं, हूँ फोर्स अंदर लग रहा वी क्रॉस बी, हूँ वी क्रॉस भी अंदर लग रहा, अंदर जाकर कितने दिखावा थोड़ा मैं नहीं दिखा सकता ना। इस चीज़ को टैकल करने लिए आप करते हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखते हैं, आप मैगनेटिक फील्ड ना इस सरफेस पर ना ही रखिए, जिमें इधर इधर उपर नीचे इधर ये उपर ना दिखाइए, क्योंकि फोर्स तो हमेशा मैगनेटिक फील्ड से विलोसिटी के परपेंडिकुलर लगना है। तो जो भी मैगनेटिक फील्ड के उपर रखोगे विलोसिटी भी उपर दिखाओगे तो फोर्स हमेशा अंदर या बाहर नू लगेगा, तो या तो पार्टिकल बाहर आएगा या अंदर नू जाएगा, तो वो दोनों चीज़ां दिखाणियां बड़ी औखियां हो जाएंगियां। इसीलिए क्योंकि आप सब तो ज़्यादा इंट्रस्ट लै रहे हैं पार्टिकल की विलोसिटी वैक्टर के विच कि वो विलोसिटी किधर नू है, तो फोर्स के असर के करके हुण किधर नू होएगी, पार्टिकल इधर मुड़ेगा सीधा जाएगा, तेज़ हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। सो असी वेलोसिटी वैक्टर से इंट्रस्टिड हाँ, मैगनेटिक फील्ड का वैसे भी यूनिफॉर्म रख्या है, तो आप इस काम नू सौखा करने के लिए जिहड़ा मैगनेटिक फील्ड वैक्टर उन्हूं या तो बोर्ड के बिल्कुल अंदर नू लै लवेंगे इनवर्ड द बोर्ड नॉर्मल, या अंदरों बाहर नू लै लवेंगे, दोनों ही चीज़ों अपना काम सर जूगा तो आप अपने काम नू कर सकेंगे। शायद 10वीं क्लास के जो मैगनेटिजम पढ़िया 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, उत्थे थोनों इस तरह के मैगनेटिक फील्ड नू रैप्रजेंट करना सिखाया भी गया सी कि असी मैगनेटिक फील्ड लाइन नू फिर इस तरह पैरल इस तरह लाइन बना के नहीं शो करते, क्योंकि इस तरह शो करना हो तो फिर प्लेन पर शो हो गया, इसे प्लेन पर आप पूरी तरह अंदर या बाहर शो करनी हो लाइन तो आपां नू क्रॉस या डॉट नाल रैप्रजेंट करते हैं। सो हुण आपां आही मसले नू देखते हैं कि फोर्स जिहड़ा लगेगा उहदी ट्रैजेक्टरी की होएगी पार्टिकल की, इस गल नू आपां देखण दी कोशिश करते हैं। तो एक जिहड़ी होर बड़ी जरूरी गल आ देखो, इस दे विच आ जिहड़ा फॉर्मूला आ वी क्रॉस बी, ये अपने आप ही दस दिंदा आ कि जिहड़ा फोर्स है वह कदों कदों लगेगा तो कदों नहीं लगेगा, कदों किन्ना लगेगा किवें। जिवें देखो फोर्स का फॉर्मूला आपां हुण लिखिया क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आ लिखिया जे मैगनीच्यूड च लिखा तो हो जूगा क्यू वी बी साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो सानू पता है कि जे मान लो पार्टी चार्ज चार्ज एट रेस्ट होया, अगर चार्ज रेस्ट ते होया तो वेलोसिटी दा मैगनीच्यूड किन्ना होएगा? जीरो होएगा, है ना। जे चार्ज रेस्ट ते है, चार्ज मोशन च ही नहीं है, तो वेलोसिटी वी जीरो होएगी, वी जीरो होएगी तो दिस इंप्लाइज तुहाडा जिहड़ा फोर्स है मैगनेटिक फोर्स वह भी पार्टिकल ते कोई नहीं लगेगा, वह जीरो ही होएगा, ठीक है, फिर रेस्ट रहेगा वो इस तरह ही। दूसरा जे वेलोसिटी वैक्टर जिहड़ा आ वह पैरल होवे मैगनेटिक फील्ड दे, और वेलोसिटी वैक्टर जिहड़ा आ वह एंटी पैरल होवे मैगनेटिक फील्ड दे तां की होएगा, दैट इज थीटा की वैल्यू जे 0° होवे जां फिर 180° होवे, या उधर जा रहा पार्टिकल या इधर जा रहा, तो उस जगह पर भी देखो साइन जीरो ते साइन 180 की वैल्यू जीरो ही होंगी है, तो फिर मैगनेटिक फोर्स जो आएगा इस केस भी वो कि आएगा जीरो आएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तीसरी गल देखो, जे तुहाडी वेलोसिटी वैक्टर जोड़ा आ वह परपेंडिकुलर होया मैगनेटिक फील्ड दे, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90° हुई, तो साइन 91 होएगा मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, तो जोड़ा फोर्स है मैगनेटिक फोर्स वो बेसिकली मैक्सिमम होएगा, मैक्सिमम जिन्ना मैक्सिमम हो सकता है उन फोर्स लग सकता, दैट इज क्यू वी इन बी एंड इन टू बी क्यू वी बी, बस फिर साइन 90° वैल्यू 1 आ गई इतने, वो मैं इतने छड़ देती है।
सो इस तरह होएगा। अच्छा चौथा केस वो मोस्ट जनरल केस होएगा, जनरल केस। जनरल केस की है वही है जो मैं तुम्हें दिखाया भी किसी भी एंगल से, ना तो थीटा 90 है, ना थीटा 0 है, ना पार्टिकल रेस्ट है, तो जनरली जो फोर्स लगेगा फिर फोर्स क्यू वी बी नहीं लगेगा, फिर आही लगेगा जरा क्यू वी बी साइन थीटा लगेगा। सो हूँ आप देखते हैं, आप सिर्फ ये देखा कि फोर्स लगेगा कि फोर्स की जी डायरेक्शन है वह सू कि पता लगेगी, आता सी गल मैगनीच्यूड के बारे। इस तरह डायरैक्शन बारे भी दस सकता मैं तुम्हें, देखो इत डायरैक्शन बारे सिंपल जहा एक फंडा यही है। असल में पता की है कई बच्चों कहते किताबों के फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल, फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल, वो सारे करके बड़ा मज़ा आता है, पर असल में थोड़ा सही दसा जिन्हों क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ना, जिन्हों वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता, उन्होंने वो चीज़ा याद रखने की लड़ नहीं है भी राइट हैंड रूल कदों लाना सी, लैफ्ट हैंड रूल कदों लाना सी, ते राइट हैंड रूल कि फिंगर किड़े पासे रखनी सी, फिर थंब ने की दसना सी, एने की दसना सी, राइट हैंड रूल तो बाद लैफ्ट हैंड रूल की दसना सी, आ सारे स्यापे मुक जाते हैं जे तुम आ गल पता है क्रॉस प्रोडक्ट करना आता तो भी फायदा है, वह भी अपन पता लग जाता, पर सू भी पता होना चाहिए आ कि बेसिकली फोर्स की डायरैक्शन किमें पता लगेगी। हूँ देखो जे ये दो गल् हो सकती, जे तो चार्ज तुहाडा होया पॉजिटिव, जे चार्ज पॉजिटिव होया तां तुहाडा फोर्स है जिहड़ा वह पैरल होएगा वी क्रॉस बी दे, यानी कि फोर्स की डायरैक्शन उही आएगी जो वी क्रॉस बी डायरैक्शन करके आएगी जिस तरह भी। तो जे क्यू नैगेटिव होया तो फोर्स की डायरैक्शन जिहड़ी होएगी वह फिर एंटी पैरल आएगी वी क्रॉस बी दे, वी क्रॉस बी दे, ठीक है जी। आ ध्यान रखना जो मैं दोनों एरो एक पास पा दिना वा तो यह मतलब पैरल यानी उस दिशा के एक उपर एक नीचे पा देना मतलब एंटी पैरल, इनू ऐ समझ के चलो, बस एक लिखन का तरीका ही है। सो क्लीयर है गल, फोर्स की डायरैक्शन बारे आ गल ध्यान रखनिया ने कि चार्ज पॉजिटिव है तो बस वी क्रॉस बी की डायरैक्शन फोर्स लगेगा, तो नहीं तो उल्टा, तो मैगनीच्यूड बारे आ गलों का ख्याल रखना तुम्हें, ठीक। हुण मैं जिवें कह रहा सी कि मैं मैगनैटिक फील्ड नूं फिक्स कर देवां, मैगनैटिक फील्ड नूं फिक्स कर देवां, बोर्ड के अंदर नूं फिक्स कर सकदा या बाहर नूं फिक्स कर सकदा, जिवें मर्जी कर सकदे आपां अंदर नूं फिक्स कर दिंदे आ, ते फिर आपां देखदे आ किसे चार्ज ते फोर्स लग रहा तां उस चार्ज दा मोशन किस तरह दा हो रहा, कि उह स्ट्रेट लाइन च मूव करदा, कि उह सर्कल च घूमदा आ, या फिर पैराबोलिक पाथ लैंदा जिवें प्रोजेक्टाइल मोशन च पढ़िया सी आपां, किस तरह दा उह पाथ लैंदा आपां इह देखदे आ। सो इहदे लई सब तो पहला तो जरूरी है कि आप मैगनैटिक फील्ड जड़ा आ मैगनैटिक फील्ड वो आप एक रीजन दे विच बना लिए तो फिर आप उस दे बारे सोचिए कि उस दे विच मोशन किस तरह का होंदा है। देखो सो आ रीजन है, मान लो आ रीजन है आ वाला जिथे मैगनैटिक फील्ड हैगा आ, सो मैगनैटिक फील्ड आप क्रॉस नाल शो कर दें, मतलब यह है कि इस जगह पर हर जगह पर मैगनैटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड का बोर्ड आ, बोर्ड के अंदर नू आ इत्थे तक। सो बहुत ज़्यादा मैं खुला खुला ही शो कर देना थोड़ा, बस गल समझनी चाहिए है। लो जी आ मैगनैटिक फील्ड रीजन है, तो मैगनैटिक फील्ड ये की आ बोर्ड के अंदर नू आ, अंदर नू, तो आ लाइन पाई हुई है मैं देखो, मतलब ये इतने इतने मैगनैटिक फील्ड हैगा आ, हो सकता ये इतने बहुत बड़ा नॉर्थ पोल हो, अंदर कंध के कितने साउथ पोल हो, इतों बाहरों अंदर नू मैगनैटिक फील्ड जा रहा, ठीक है जी। तो इतों मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जिहड़ा मैं दिखा दिना इतने अंदर आते हुए भी, अच्छा पहला मैं इनू भी चेंज कर दवा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड, हुण टॉपिक अपना की है जो मैं पढ़ा जा रहा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड आप यूनिफॉर्म लै रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है जी, आ अपना टॉपिक है। सो आप देखते हैं इस लैक्चर में ये पूरा हो जूगा तो ठीक है, नहीं तो आप अगे लैके जावे, चलो कोशिश कर रहे एक गल मेन मेन गल पूरी हो जाए तो कि बाकी अगले लैक्चर से करूँगा मैं। हुण होएगा कि देखो मान लो आ चार्ज पार्टिकल है क्यू, आ मैगनैटिक फील्ड है, आ चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो क्यू चार्ज पार्टिकल जिहड़ा हैगा आ ये वेलोसिटी वी दे नाल देखो
इस तरह मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन दे विच वेलोसिटी वी दे नाल। ठीक है जी, इहदी स्पीड दा मैगनीट्यूड मान लो वी है तो डायरेक्शन तुहानू दिख रही है किधर नूं, आ मैगनेटिक फील्ड हैगा, मैगनेटिक फील्ड दा जिहड़ा मैगनीट्यूड हैगा ओह हैगा मान लो बी ते अंदर नूं आ, इहनूं इत्थे कोई फोर्स लग रहा है, ये बाहर पिया वा हले मैगनेटिक फील्ड च अंदर गया ही नहीं, इहनूं कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो की होगा, न्यूटन फस्ट लॉ, चार्ज जिन्नी वेलोसिटी नाल जिस दिशा वल जा रहा सी उत्थे जांदा रहूगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जांदा रहूगा, सो ये चार्ज जिहड़ा है अपना ये मूव करता करता इत्थे पहुँचूगा तो बिल्कुल उही वेलोसिटी दे नाल जांदा रहूगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होया ही नहीं हले, ये मैगनेट फील्ड च गया ही नहीं, ऐं करदे करदे ये फिर इत्थे पहुँचूगा, देखो इसे लाइन दे लौंग इत्थे पहुँचूगा तो ये मैग जो वेलोसिटी है वो फिर आई रहेगी इस डायरेक्शन में। सो इतों करते करते चार्ज पार्टिकल आ रहा है आराम नाल, आते 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 बस हुण एंटर कर गया, जिवें ही एंटर किया आ मोमेंट ते नाल ही मैगनेटिक फील्ड के विच एंटर किया, तो मैगनेटिक फील्ड के विच एंटर करते ही उस चार्ज पार्टिकल के उपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन च लगेगा किन्ना लगेगा आपां इहदी गल करदे हां, पहलां तां देख लईए फोर्स लगेगा किन्ना, फोर्स दा मैगनीट्यूड किन्ना होएगा, देखो होएगा क्यू चार्ज नूं पॉजिटिव मन के चलो पॉजिटिव ही, आपां कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करी हले, चार्ज पॉजिटिव है बाद च आपां इहनूं नैगेटिव वाला केस भी समझा दूंगा तुहानूं नाल ही, पॉजिटिव चार्ज हैगा जा रहा अच क्यू वी दा मैगनीट्यूड जिन्ना भी स्पीड दा मैगनीट्यूड इस जगह ते फोर्स देखना ना, मैगनेटिक फील्ड दा मैगनीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इतने एंगल किन्ना है, वेलोसिटी वैक्टर थोड़ा मैं बोर्ड के उपर दिखा रहा इधर नू इधर नू ते मैगनेटिक फील्ड बिल्कुल अंदर नू आ, तो उसी आप सोच के देख लो आ वेलोसिटी वैक्टर है आ मैगनेटिक फील्ड है जो बोर्ड के बिल्कुल अंदर नू है, तो दोनों विच एंगल देखो किन्ना होएगा 90 डिग्री का होएगा इस तरह। ठीक है, वेलोसिटी वैक्टर इधर नू है, मैगनेटिक फील्ड अंदर नू है, मैगनेटिक फील्ड अंदर नू है तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बेसिकली फोर्स का मैगनीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी, सो बड़ा सिंपल केस है कि फोर्स कितना लगेगा क्यू वी बी। अच्छा मैं थोड़ा डायरेक्शन भी देखनी है, फोर्स लगेगा कितना ये पता लग गया, हम डायरेक्शन देखिए आप एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन दिखा देना ये सो आ देखो मैं ये पेन ले लेना है, एक लाल रंग का पेन है एक काले रंग का पेन है। ठीक है, जिहड़ा काले रंग का पेन है ये मान लो मैगनेटिक फील्ड है, आदा एरो है समझ लो आदा एरो आ, तो मैगनेटिक फील्ड अंदर नू आ, तो इनू मैं अंदर नू ए फड़ लैना ये सामने अंदर नू, जिस मैगनेटिक फील्ड अंदर नू बनाया ना देखो अंदर नू, तो वेलोसिटी उधर नू है ना, वेलोसिटी वैक्टर ए बनाया ना इधर नू, तो आ इस नू इस तरह फड़ लैने ऐ करके, तो हुण वेलो आ देखो ए फड़िया मैं वेलोसिटी ते वी क्रॉस बी किवें करांगे आपां, वी क्रॉस बी देखो ए राइट हैंड रूल वी क्रॉस बी आ देखो बिल्कुल उपर नूं गुठा जा रहा वी क्रॉस बी आ जा रहा अपना मैगनेटिक फील्ड, सो वी क्रॉस बी उपर नूं है मैगनेटिक फील्ड उपर नूं है, तो जे मैगनेटिक फील्ड सॉरी फोर्स उपर नूं है हुण उपर नूं फोर्स लगेगा तो की होएगा, देखो मैं इहदे लई फोर्स दिखा देना तुहानूं इत्थे, इस चार्ज पार्टिकल के उपर फोर्स लगना शुरू होएगा इस तरह इस दिशा दे विच ए करके, आ हैगा जी मान लो मैगनेटिक फोर्स दी डायरेक्शन, आ मैं दिखाता हूँ पार्टिकल ए जा रहा है जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो की होंगे, मैं देखो पिछले दिन जनरल साइंस का एक टॉपिक पाया सी लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, उसे माड़ा मोटा सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम ले बिना मैं कोशिश की सी, क्योंकि वो आम लोगों लिए पाया सी, मैं साइंस स्टूडेंट्स लिए नहीं पाया सी, उदो मैं टर्मिनोलॉजी थोड़ी घट वरतदा हुंदा, पर हुण तुसीं जे लैक्चर देख रहे हो तुसीं साइंस स्टूडेंट ही हो ये गल मैनूं पता है। सो हुण की होएगा वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा तो आ वेलोसिटी थोड़ी जी बेंड होएगी है ना, आ वेलोसिटी बेंड होएगी इस जगह पर आके मान लो ए बेंड हो जाएगी तो आ पार्टिकल जिहड़ा है हुण इस डायरेक्शन जाण लगेगा, तो पार्टिकल की जिहड़ी स्पीड है वह वी ही रहने वाली है, मैं हुण मैं वैक्टर साइन हटाता वी दे उपरों क्योंकि हुण बदल चुका है पर उहदा मैगनीट्यूड वी ही है। हुण इस गल नूं ध्यान नाल समझो कि जदों फोर्स लगता है ना किसी पार्टिकल नूं, मान लो आ देखो इस गल पहले इतने समझ लो आ मान लो वेलोसिटी वी है तो जे इनू फोर्स ए लगता है ना इस डायरेक्शन तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ने, कौंपोनेंट होंगे ने देखो
एक तो होंगे है थीटा की डायरेक्शन एफ कॉस थीटा, एक होंगे एफ साइन थीटा। तो मैं ये गल कराई हुई है कि एफ कॉस थीटा की करेगा, इस वेलोसिटी वधाने की कोशिश करेगा, यदि स्पीड को गवर्न करेगा। तो एफ साइन थीटा जो परपेंडिकुलर लग रहा है वो बस उसको बेंड करेगा, यानी उसको मोड़ेगा, उसकी वेलोसिटी ए इधर मोड़न की कोशिश करेगा। पर इतने अपने को फोर्स जो लग रहा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी के, इतने जो फोर्स लग रहा बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा, इसलिए बेसिकली ये सिर्फ मोड़ेगा, उसकी स्पीड नहीं घटन देगा। जो 40 से आ रहा है तो 40 से ही रहेगा, वो 40 तो 39 भी नहीं होएगा, 40 तो 41 भी नहीं होएगा। ये बड़ी जरूरी गल है वे मुड़िया तो जरूर, पर वेलोसिटी का मैगनीच्यूड नहीं बदलेगा, स्पीड उ रहेगी। आ कंसैप्चुअल क्वेश्चन आ माड़ा पूछ लेंगे कई बार, भी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, तुम लिखते हो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कुछ मतलब या पॉजिटिव चार्ज होया तो बढ़ेगी, नैगेटिव होता घटेगी, कुछ भी बोलते रहने। ध्यान रखो इस तरह नहीं, फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा, इसलिए वेलोसिटी ना तो यह बढ़ा सकता ना घटा सकता, यू सिर्फ ए मोड़ सकता। हूँ इन्हें मोड़ता, हूँ जो मोड़ता इतने आ गया तो हूँ भी चार्ज मैगनेटिक फील्ड के अंदर ही है, हूँ कड़ा निकल गया उस बार, तो हूँ फिर फोर्स किस डायरैक्शन लगेगा, इस गल को ध्यान न समझो। मैगनेटिक फील्ड फिर पहला वागू अंदर ही आ, पर हूँ पहला ए सी वेलोसिटी देखो इस तरह ए सी ना, हूँ ए हो चुकी है, हूँ वेलोसिटी थोड़ी जी ए हो चुकी है देखो, है ना। तो हूँ जे ये वी क्रॉस बी करोगे तो फोर्स थोड़ा जहा आएगा, इन्हों के प्लेन के तो परपेंडिकुलर आएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, पर थोड़ा इस तरह आएगा। यानी कि तुम करके देखो इस चीज़ को कि फोर्स हजे भी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा इस तरह, तो फोर्स हजे भी उन्ना ही आएगा क्यू बी बी, क्योंकि हजे भी वेलोसिटी तो मैगनेटिक फील्ड से एंगल 90 डिग्री है, वेलोसिटी जिधर मर्जी हो जाए प्लेन के उपर मैगनेटिक फील्ड तो अंदर ही है, ए जिवें मर्जी हो जाए परपेंडिकुलर तो रहेगा ही। ए करते करते जी वेलोसिटी है जी स्पीड है सॉरी वो पार्टिकल इतने पहुँचेगा तो वह मुड़ के होर मुड़ जाएगा, स्पीड वो भी ही रहेगी। तो हूँ फिर फोर्स का फॉर्मूला ला के देखो, फोर्स लगेगा अंदर न इस तरह, ये करके स्पीड वो होर स्पीड वही रहेगी, वेलोसिटी होर मुड़ जाएगी, होर बेंड हो जाएगी, इस फोर्स के करके ए बेंड हो जाएगी, तो उन्होंने फोर्स लगेगा फिर इस डायरेक्शन। मतलब तुम यहाँ देखोगे कि किसी भी जगह वो जा रहा पार्टिकल, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा, तो यह किस तरह का रस्ता लेगा, इस तरह का पार्टिकल चार्ज बिल्कुल इस तरह का सर्कुलर पाथ, तो जोड़ा फोर्स है वह हर मूमेंट पर ही इस तरह टुआर्ड्स अ पॉइंट लगता रहेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ जो लिया, यदा सेंटर इतने कितने होएगा, इस दे उपर इस बाउंड्री के उपर ही होएगा, जी बाउंड्री है जिद इधर मैगनेटिक फील्ड नहीं है, इधर मैगनेटिक फील्ड है, सर्कुलर पाथ लेगा वो। सर्कुलर पाथ जिमें वैसे जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ लै ही लवे, एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब सर्कुलर पाथ मतलब देखो सर्कुलर पाथ की जरूरी है कि जो फोर्स है वो ये परपेंडिकुलर लगे एक बार तो, है ना, फिर यह बेंड होया फिर परपेंडिकुलर लग गया, यानी कहने लगे है तो उही कंडीशन कि सर्कुलर पाथ विच रोटेट होना चाहिए उन्होंने, पर यदि परफेक्टली सर्कुलर पाथ कंडीशन की होएगी भी जोड़ा फोर्स लग रहा आ क्यू बी बी एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे, यानी कि उन्ना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड भी करे जिन्ना इस पार्ट चार्ज पार्टिकल नू इस सर्कल च घूमन लई जरूरी है, क्योंकि जे क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो मास भी तो है ना, कोई वह मास भी तो है, वह कला चार्ज पार्टिकल थोड़ी वह मास कोई ना कोई मास है, तो किसी भी मास एम वाले पार्टिकल नू आर रेडियस भी जो घूमना हो सेंट्रीपिटल फोर्स कि चाहिए होंगे, देखो एफ सी लिख दें एम वी स्केयर ओवर आर, वेयर वी इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, आर इज़ द रेडियस, रेडियस मीनस जे आ सेंटर है तो आर रेडियस इतों जिन्हें रेडियस से घूम रहा आ वाला रेडियस। सो आर रेडियस घूमने के लिए उस पार्टिकल जिन्ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए आया वह आया, तो जो आ दोनों बराबर हो गए, यानी कि जिन्ना फोर्स चाहिए वो मैगनेटिक फोर्स तो प्रोवाइड हो रहा हो, आप कहे कि सर्कुलर मोशन वो घूमेगा। अच्छा मान लो मैं एक टाइम तो इतने भी मैगनेट लगे हुए थे, पर मैं इधर ले मैगनेट तो स्विच ऑन किए हुए, जिमें पार्टिकल इतने तक पहुँचा या इतने पहुँचा हुआ, मैं नाल ही इधरला भी स्विच ऑन करता, मतलब मैगनेटिक फील्ड मान लो इतने भी आ गया, इतने भी हो गया, इतने भी मैगनेटिक फील्ड है, तो यह पार्टिकल की करेगा, पार्टिकल ने फिर ए घूमना तो इतों फिर फोर्स फिर उमें लगी जाना वा,
ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ, ਆ ਫਲੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਐਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰੀਪਿਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪਿਟਲ ਫੋਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਮ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੋਪਿਕ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਮ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਊ ਬੀ ਅਪੋਨ ਐਮ ਵੀ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁੰਮੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਿਊ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਸਨੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ? ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਵੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਬੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਐਮ ਵੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਬੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਊ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਐਮ ਕਿਊ ਅਤੇ ਬੀ ਤਾਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਦਲ ਕੀ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪੀਡ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੀਡ ਸਿੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਸਿੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਦਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟੋਗੇ ਉਹ ਐਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਐਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਐਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰ ਅਤੇ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਰ ਅਤੇ ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਰੀ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਵਰਡ ਹੇਅਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ।
तो वह कि बराबर आएगा, देखो टाइम पीरियड यानी कि एक पूरा सर्कल सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कितने बराबर आएगा, देखो डिस्टेंस ट्रैवल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये इस तरह पूरे सर्कल में 2πr बटा जितनी स्पीड नाल चल रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आही आएगा ना टाइम पीरियड। इन्ने टाइम पीरियड के बीच वो पूरा एक चक्कर कढ़ेगा पार्टिकल, जे वह मैगनैटिक फील्ड चार्ज तो मास इन्ना रहे तो आप देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना बनन जा रहा। तो टाइम पीरियड लई 2π चाहे तुम वी की वैल्यू पुट कर दो इतों चाहे आर की वैल्यू पुट करो एको गल ही है बाय वी तो आर की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी इतने पुट करो एम वी अपॉन क्यू बी तो वी नाल वी कैंसल हो गया तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2πm डिवाइडेड बाय q इंटू बी आ गया टाइम पीरियड। तो ये खास गल है ये ना तो r आया कि ना v आया कि मतलब तुम स्पीड जिनी मर्जी दे दो टाइम पीरियड नहीं बदलन वाला जदों तक कि चार्ज पार्टिकल का मास उदा चार्ज तो मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू तुम सेम रखी है। ये बहुत जरूरी गल है कि टाइम पीरियड कॉन्सटेंट आया टाइम पीरियड इस गल डिपेंड ही नहीं कर रहा कि वलॉसिटी किन्नी है तुम वलॉसिटी ज़्यादा दे रहे हो ज़्यादा वलॉसिटी दे रहे हो और ज़्यादा व्डे रेडियस घूम के आ रहा पर घूम के उन्ने टाइम बाद ही पहुँच जाता उत्थे। जिमें कि मान लो जे आप कह लिए कि टाइम पीरियड है 5 सैकेंड चार्ज पार्टिकल आया आया मैगनीफाइड एंटर करके मान लो गोल एकदम पूरा चक्कर कड़ के 5 सैकेंड बाद वापस आया तुम ऐ करो चार्ज पार्टिकल थोड़ा स्लो सीट के देखो स्लो सीटिया तो थोड़े रेडियस करके 5 सैकेंड बाद वापस आ गया तेज सीटिया थोड़ा होर वे रेडियस जाके 5 सैकेंड बाद फिर वापस आ गया मतलब चार्ज पार्टिकल ने पूरा एक गेड़ा क्ढन इन्ना ही टाइम लेना तो यह टाइम कॉन्सटेंट है दो कॉन्सटेंट है पाई कॉन्सटेंट आ मास कॉन्सटेंट आ चार्ज कॉन्सटेंट आ तो मैगनैटिक फील्ड तुम यूनीफॉर्म रखे हुआ वा इसलिए यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड से ही आप गल कर रहे हैं। तो जे मैं फ्रीकुएंसी पता करा दे रोटेशन की तो यदि फ्रीकुएंसी की होएगी देखो फ्रीकुएंसी फ्रीकुएंसी होंगी है 1/T तो वह आ जाएगी अपनी क्यू बी डिवाइड बाय 2πm सो फ्रीकुएंसी भी कॉन्सटेंट रहेगी। अगे जाके आप इसनों साइक्लोट्रॉन फ्रीकुएंसी कहांगे साइक्लोट्रॉन की होंगे हले आप इस बारे नहीं पता आप अगे जाके ये बारे इनू एक्सप्लोर करांगे इस चीज़ में यूज़ करके पर पहला तो तुम इस गल समझ लो कि पार्टिकल में जिनी मर्जी वेलोसिटी हूँ मैं प्रोजेक्ट कर देव वो घूम के गोल वापस आ जाता है उस जगह पर उन्ने ही टाइम बाद टाइम पीरियड सेम रहा है तुम पार्टिकल वेलोसिटी वधाओगे घटाओगे कुछ भी करोगे वो मुड़ कुड़ के और टाइम पीरियड उन्ना ही लेना टाइम उन्ना ही लेना उन्हें घूम के उस अपनी जगह पर आने वेलोसिटी के हिसाब न रेडियस एडजस्ट हो जाया करेगा वेलोसिटी तेज़ रेडियस ज़्यादा वेलोसिटी घट रेडियस घट पर टाइम उन्ना ही उन्ने टाइम बाद ही वो पार्टिकल वापस उत्थे आ जाएगा यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा आज ज़्यादा बैटर वर्ड ठीक है। सो इतने तक करो फिलहाल इस चीज़ नू अंदर तक आत्मसात करो बाकी इस इतों ही मैं अपना अगला लैक्चर शुरू करूँगा इसे गल तो लैके कुछ न्यूमेरिकल भी करांगे। थैंक यू।